नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी जेई जॉइनिंग लेटर से संबंधित सभी डाउट्स के बारे में। आखिरकार कब तक आएगी जॉइनिंग की डेट्स? बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये क्वेश्चंस और स्पेशली कमेंट बॉक्स में आप हमेशा पूछते हो, भाई बताओ जॉइनिंग की डेट कब तक आएगी। इसी के ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी को बता दूं कि ये ओनली मात्र एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, किसी भी आरआरबी द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बट अगर आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखोगे तो आपको 50% अप्रॉक्सीमेटली 50% तो पता ही चल जाएगा कि आखिरकार कब तक आ सकता है जॉइनिंग की जो डेट है ऑफिशियली कब तक अनाउंस हो सकती है। तो बातें कम करते हैं, फटाफट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, अपन एक आरआरबी को पिक करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि भाई आप इस आरआरबी के बारे में भी बात करो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसी के ऊपर बनाऊंगा। चलिए बातें बहुत हो गई, अब फटाफट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं भोपाल डिवीज़न की। आप सभी जानते हैं आरआरबी भोपाल की साइड से सबसे ज़्यादा बहुत फास्ट वर्क किया जा रहा है, भले वो जॉइनिंग से रिलेटेड हो, भले ही पैनल लिस्ट से हो या मेडिकल, जितने भी अनफिट कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट निकालने का काम हो, आरआरबी भोपाल सबसे आगे चल रही है। आप सभी जानते हैं कि 23 से लेकर 27 के बीच में कैंडिडेट्स की जॉइनिंग की जो प्रोसीजर है, जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट सबमिशन का काम था वो स्टार्ट होना था, बट ड्यू टू कोरोना ये पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कोरोना के कारण अपने हर जगह क्या हालात बने हुए हैं। इसी के चलते रेलवे भी बहुत अच्छे डिसीजन ले रही है सभी कैंडिडेट्स के लिए। आप सभी जानते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने कहाँ दूर जगह से अप्लाई किया था और हो सकता है वो दूसरी सिटी में रहते हैं, उन्हें भोपाल ट्रैवल करके आना पड़ता है, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं या फ्लाइट से, अदर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जान पर जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए रेलवे ने जो डेट है वो आगे एक्सटेंड कर दी है। पहले मैं आपको बताता हूँ वो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो डेट एक्सटेंड करने का है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि कब तक आएगी जॉइनिंग की डेट। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले जो पब्लिक नोटिस पर जाते हैं अपन न्यू, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट उस पर लिखा हुआ है न्यू इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, अपन इसे एक और बार डाउनलोड कर लेते हैं, उनके लिए एक ऑफिशियल नोटिस आया था। इस नोटिस को अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे, बट क्या लिखा हुआ था दोस्तों, इसमें आरआरबी भोपाल चाहती थी कि कोरोना के कारण ये कैंसिल ना करे, उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी थी कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स अगर बीमार होता है या होती है तो उसे बाद में भी मौका दिया जाएगा। बट आरआरबी की जो अपर हायरार्की डिविजन्स है उनकी तरफ से फाइनली एक और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आया और इसमें बिल्कुल रद्द कर दिया गया कि ये कैंसिल कर दिया गया है जब तक नेक्स्ट डेट नहीं आती है। पहले ये 23 से 27 के बीच में था जैसे मैंने आपको बताया, फिर 23 से 4 तारीख के बीच में 3 तारीख तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया। बट उसी नाइट में एक और मैसेज आया और इसमें लिखा हुआ था कि ये पूरी की पूरी जो तिथि है स्थगित कर रहे हैं हम, और इसके जो मैसेज के द्वारा भी इसकी पुष्टि सभी कैंडिडेट्स को कर दी गई थी। दोस्तों मैं आपको एक वो मैसेज भी दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले वो मैसेज देख लीजिए आप। दोस्तों ये रहा वो मैसेज, मेरा मेन जो पर्पस ये मैसेज दिखाने का, क्योंकि इसमें दोस्तों खासकर लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ था कि आपको कहाँ पहुँचना है, DRM ऑफिस हबीबगंज, पर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि नेक्स्ट डेट इस तारीख आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। जो मेन अपना पॉइंट था कि आखिरकार कब तक आता है ज्वाइनिंग लेटर, दोस्तों वो इसी के एंड में खासकर कहा जा सकता है कि अप्रैल के सेकेंड वीक में कहीं ना कहीं जो जॉइनिंग लेटर के डॉक्यूमेंट सबमिशन का काम है वो वापस से रीस्टार्ट हो सकता है। दोस्तों ये भी 50% ही चांसेस है। अब आप बोलोगे भाई तो 50% क्यों बोल रहा है? दोस्तों 50% इसीलिए क्योंकि अभी भी कोरोना का जो खतरा है वो नहीं गया है। रेलवे भी चाहती है कि पूरा का पूरा नॉर्मल होने पर ही हम सभी कैंडिडेट्स को बुलाए, स्पेशली जो रेलवे है वो यंग जो कैंडिडेट्स है, यूथ है, उन्हें चाहती है कि वो उनमें ज्वाइन हो और आगे अपनी ड्यूटी वहाँ के लिए सर्व करें। तो रेलवे भी सभी की जान की परवाह करते हुए रेलवे ने कहा है कि जब भी हम नेक्स्ट डेट निकालेंगे हो सकता है वो अप्रैल के सेकेंड वीक में ही, कभी दोस्तों उसके आगे थोड़े से एक दो दिन आगे एक्सटेंड हो सकता है, बट हमने जैसा कहा था आपको कि मार्च के एंड में जो जॉइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और आपने देखा कि वही का वही हुआ है, और अभी भी हो सकता है कि अप्रैल के दोस्तों मिड में, सेकेंड वीक या थर्ड वीक में जॉइनिंग की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही ऑफिशियल कोई ना कोई अपडेट आती है मैं वीडियो बनाकर उसे एज सून एज पॉसिबल पब्लिश कर दूंगा, आप बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए। बट कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि जो जॉइनिंग का काम है वो अप्रैल में वापस से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ डाउट्स कुछ क्यूरीज रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और
अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, मेहनत करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।